ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। साथियों, उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब जी के योगदान को भी इस समय पूरा देश याद कर रहा है। हम व्यापक स्तर पर उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। अतीत से लेकर आज तक उड़ीसा ने देश को कितना सक्षम नेतृत्व दिया है, ये भी हमारे सामने है। आज उड़ीसा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपयों की योजनाएं शुरू हुई हैं और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही है। साथियों, ओडिशा माता सुभद्रा के रूप में नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेगी। इसलिए कुछ ही दिन पहले मैंने ओडिशा की अपनी माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। उत्कलर यही महान सुपुत्र मानंकर बिसयरे देश जानु एवं सेमानंक जीवन रू प्रेरणा नेव एथी निमंते ए परी आयोजनर बहुत अधिक गुरुत्व रही। साथियों, इसी उत्कल ने भारत के समुद्री सामर्थ्य को नया विस्तार दिया था। कल ही उड़ीसा में बाली यात्रा का समापन हुआ है। इस बार भी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कटक में महानदी के तट पर इसका भव्य आयोजन हो रहा था। बाली यात्रा प्रतीक है कि भारत का उड़ीसा का सामुद्रिक सामर्थ्य क्या था। सैकड़ों वर्ष पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी यहां के नाविकों ने समुद्र को पार करने का साहस दिखाया। हमारे यहां के व्यापारी जहाजों से इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी हुआ और संस्कृति की भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। आज ही विकसित भारत संकल्प और सिद्धि निमित्त ओडिशा सामुद्रिक शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। साथियों, ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास आज ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। 2024 में ओडिशावासियों के अभूतपूर्व आशीर्वाद ने इस उम्मीद को नया हौसला दिया है। हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2036 में ओडिशा राज्य स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारा प्रयास है
कि ओडिशा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो। साथियों, एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज ओडिशा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम ओडिशा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, ओडिशा में पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए धामरा, गोपालपुर, अस्तारंगा, पलूर और स्वर्णरेखा पोर्ट्स का विकास करके यहां व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा भारत का माइनिंग और मेटल पावर हाउस भी है। इससे स्टील, एल्यूमिनियम और एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। इन सेक्टरों पर फोकस करके ओडिशा में समृद्धि के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। साथियों, ओडिशा की धरती पर काजू, जूट, कपास, हल्दी और तिलहन की पैदावार बहुतायत में होती है। हमारा प्रयास है कि इन उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक और उसका फायदा हमारे किसान भाई बहनों को मिले। ओडिशा की सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि ओडिशा सी फूड एक ऐसा ब्रांड बने जिसकी मांग ग्लोबल मार्केट में हो। साथियों, हमारा प्रयास है कि ओडिशा निवेश करने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक हो। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।